Hi guys, today we are going to discuss 17 January 2020 newspaper. पहले न्यूज लेते हैं. पहले न्यूज में हेडिंग पे में क्या था आपका? इंडिया टू इनवाइट इमरान खान फॉर शंघाई काउंसिल मीट. ठीक है, इंडिया इनवाइटेड इमरान खान. ये मीटिंग जो है एससीओ की, उसमें इनवाइट किया गया है. अब देखो यहाँ से क्वेश्चन क्या बन सकते हैं. पहला, सबसे पहला तो यहाँ से कीवर्ड देखना शुरू करो आप. तो एक तो हमारा क्या आया, कीवर्ड यूएनएससी आया, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल. सबको पता है इसमें 5 मेंबर होते हैं जो कि परमानेंट मेंबर हैं. आपके लिए असाइनमेंट ये पता करना है कि इसमें नॉन परमानेंट मेंबर कितने होते हैं, उनका टेन्योर कितना होता है, और क्या इंडिया उसका अभी मेंबर है कि नहीं है. ठीक है, 3 क्वेश्चन याद आएंगे. दूसरा, अगर वापस न्यूज में आए तो देखो, एससीओ में अगर हम बात करें टोटल मेंबर्स की, ठीक है, तो करंट एससीओ मेंबर्स क्या है, इसमें इंडिया है, चाइना है, पाकिस्तान है, रशिया है, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान. आपके एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन में नंबर, टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स आ सकता है एससीओ का, या आपको वो दे देंगे 4 मेंबर दे देंगे एससीओ के, पूछेंगे इनमें से कौन सा नहीं है. ठीक है, ये बना कब था, फाउंडेड ऑन जून 15, 2001 को. ठीक है, फिर क्वेश्चन आ सकता है कि एससीओ में ऑब्जर्वेटरी मेंबर या स्टेट्स कौन से हैं, अफगानिस्तान, बेलारूस, ईरान और मंगोलिया. फिर आ सकता है कि एससीओ में डायलॉग पार्टनर्स कौन से हैं, तो अजरबैजान हो गया, आर्मेनिया, कंबोडिया, नेपाल, टर्की और श्रीलंका. ठीक है, फिर क्वेश्चन ये आ सकता है कि एससीओ का परमानेंट बॉडी जो सेक्रेटरीट है वो बीजिंग में है, एग्जीक्यूटिव कमिटी ऑफ द रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर रैट्स है ना, ताशकंद में है. ठीक, तो यहां से आपको इस न्यूज से बहुत सारे क्वेश्चन आपको प्रीलिम्स के लिए मिल जा रहे हैं. ठीक है, अगला देखें तो इसी को मैंने थोड़ा सा और डिटेल में बनाया है. तो अगर आप देख लो, एससीओ जो है पैक्ट हो गया, ठीक है, 2001 हो गया, है ना. ये जो मेन गोल एससीओ के क्या है भाई, म्यूचुअल ट्रस्ट बनाना जितने भी मेंबर्स हैं, और पॉलिटिक्स हो गया, ट्रेड हो गया, इकोनॉमी हो गया, रिसर्च हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया, कल्चर हो गया, फिर एजुकेशन, एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म, ये सब चीज़ों का आपस में क्या करना, बढ़ाना. ठीक है, तो अगर देखा जाए तो वेलफेयर कंट्री बनाने के लिए ये कर रखा है आपका. ठीक, अच्छा अगला न्यूज़ देखते हैं. 34,000 ब्रू रेफ्यूजी, ये एक ट्राइबल है आपके त्रिपुरा के. वहाँ क्या हुआ था कि त्रिपुरा और मिजोरम के बीच में ये एक टाइप का ट्राइबल वॉर शुरू हुआ था, तो ये सब लोग भागकर जो है ये चले गए थे आपके त्रिपुरा के एक हिस्से में, जहाँ पे इनको कैंप में रखा गया था. अब फाइनली इनको त्रिपुरा में जगह दी जा रही है, वहाँ बसाया जा रहा है, प्लस इनको क्या किया जाएगा भाई, वहाँ पे लैंड भी दी जाएगी, लगभग इनको कुछ पैसे भी इनके अकाउंट में FD के तौर पर जमा किए जाएंगे, इनको घर बनाने के लिए भी 1.5 लाख रुपये दिए जाएंगे, और साथ ही साथ पर मंथ इनको कुछ पैसे भी मिलेंगे, साथ ही साथ फ्री का राशन मिलेगा 2 साल तक, ये अपने स्टेबिलिटी ला सके. तो ये बहुत बड़ी बात है. तो देखो यहाँ आ सकता है कि ब्रू रेफ्यूजी किन 2 स्टेटों का मामला था, तो अब ठीक करोगे त्रिपुरा और मिजोरम, और इसमें ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है. ठीक है, अगला अगर हम देखें, सुप्रीम कोर्ट रिलीफ, टेलीकॉस हैव टू पे 1.47 लाख करोड़. तो जो आपकी 3 या 4 मेजर कंपनियां हैं, आइडिया हो गया, एयरटेल हो गया, जियो हो गया, ये सबको मिला जुला के पैसा पे करना है. और उसकी सबसे बड़ी वजह ये है, अगर आप देखें, दैट दे डू नॉट पे द लाइसेंस फीस टू द पब्लिक एक्सेकर बेस्ड ऑन एन एग्रीड AGR. एक AGR होता है एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू, उसके बेसिस पे इनको पैसा देना था, सरकार को नहीं दिया. सरकारी मामला सुप्रीम कोर्ट में ले गए, सुप्रीम कोर्ट ने इन पे लगा दी पेनल्टी, और अब हटने को तैयार नहीं हो रही. ठीक है, मतलब कि पेनल्टी है इन पे, क्या रहेगा, लगी रहेगी और इनको पे करना पड़ेगा. अब ये देखना है कि इसका असर, अगर ये मान लो ये मनी इन कंपनियों को, टेलीकॉम कंपनियों को पे करनी पड़ गई, क्या इसका बर्डन हम कस्टमर्स पे आ सकता है? जरूर आएगा. ठीक है, और भी चीज़ों पर पड़ेगा सर, अभी डिस्कस करेंगे हम लोग आगे. तो ये इंटरनेशनल न्यूज हो गया. क्या सीनेट ओपन्स ट्रम्प्स इम्पीचमेंट ट्रायल, ये बहुत बड़ी न्यूज फीडबैक है, निगेटिव फीडबैक है किसके लिए, डोनाल्ड ट्रम्प के लिए. अगला फाइनली भाई, चाइना US का जो लगभग लगभग 1.5-2 साल से मान के चलो, मोटा मोटा 1 साल मान के चलो, 1 से 1.5 साल लिखा ना, 18 months through that last his global growth. तो 18 months से जो दोनों के बीच में ट्रेड वॉर चल रही थी, दोनों को तो नुकसान हुआ ही हुआ, साथ में हम जैसी डेवलपिंग कंट्री को भी इससे बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है. तो फाइनली भाई इसमें क्या लिखा हुआ है, एक तरीके का दोनों के बीच में एक पीस एग्रीमेंट साइन हुआ है. उसमें पहला क्या हो गया, चाइना विल बूस्ट परचेजेस ऑफ US गुड्स एंड सर्विसेज बाय $200 बिलियन. अब इसके बदले में अमेरिका भी इसको कुछ अपना मार्केट ओपन करके देगा, ठीक है, और चाइना भी अपना मार्केट ओपन करके देगा, और इससे पूरी दुनिया में एक जो रिसेशन शुरू हुआ था वो अब धीरे धीरे हटना
हटेगा और सब जगह इकोनॉमिक बूम आएगा, लेकिन इट विल टेक टाइम। अगला हम बारे वही एजीआर प्री डिसमिसल में हिट डिजिटल इंडिया, जो मैं अभी आप पीछे बोल रहा था कि अगर इन चारों कंपनियों को इतनी ह्यूज अमाउंट पे करनी पड़ गई तो जो डिजिटल इंडिया है मोदी सरकार का सपना उसमें बहुत असर पड़ेगा। और आज के टाइम पे डिजिटल इंडिया बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चाहे वो आपके नए बिजनेस हो, नए आपके एंटरप्रेन्योर्स हो, या आपका ये एजुकेशन सिस्टम हो, ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम, ये पूरा का पूरा किस पर डिपेंडेंट है? डिजिटल इंडिया पर। ठीक है, आप गवर्नमेंट की गवर्नेंस हो, वो भी किस पर डिपेंडेंट है? डिजिटल इंडिया पर। अच्छा, अगला ये आपके डीसी जीआई हैं, डायरेक्टर जनरल ऑफ ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, उन्होंने दो दवाइयों का अप्रूव दिया है और दोनों ही क्या है आपकी न्यू टाइप ऑफ एंटीबायोटिक है। ठीक है, अच्छा यहां से एक हमें कीवर्ड क्या मिल रहा है, और वो कीवर्ड हमारे लिए क्या है, ये सुपर बग्स। देखो सुपर बग्स कुछ नहीं होते, ऐसे बैक्टीरिया जो कि एग्जिस्टिंग जो अभी एंटीबायोटिक है, जो अभी भी मार्केट में एंटीबायोटिक है, अगर अगर उन पे असर ना करे, यानी कि वो एंटीबायोटिक अगर उन बैक्टीरिया को ना मार पाए तो वो क्या बन जाते हैं, सुपर बग्स बन जाते हैं। ठीक है, तो इसमें ज्यादा थोड़ा सा बहुत ज्यादा डिटेल जाने की जरूरत नहीं है, बस इतना पढ़ लिया, सुपर बग्स मतलब कि ऐसे बैक्टीरिया जो कि एग्जिस्टिंग एंटीबायोटिक से ना मारे जाए तो उनको क्या बोलेंगे, सुपर बग। ठीक है, अगला लेते हैं। हाँ भाई, ये अमेजोन के सीईओ हैं जेफ बिजोस। ठीक है, तो हमें एक क्वेश्चन मिल गया कि भाई अमेजोन के सीईओ कौन है, जेफ बिजोस। ये भारत की यात्रा पर आए थे और यहाँ इन्वेस्टमेंट का इन्होंने डिक्लेरेशन किया, उसको भाई हमारे जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स हैं पीयूष गोयल, उन्होंने साफ साफ बोला है अमेजोन इज नॉट डूइंग इंडिया अ ग्रेट फेवर बाय इन्वेस्टिंग $1 बिलियन, क्योंकि लड़ाई ये चल रही है कि क्या अमेजोन के आने से और फ्लिपकार्ट या ऑनलाइन जो कंपनीज हैं, क्या जो छोटे शॉपकीपर्स हैं, क्या इनका जो बिजनेस है, या और भी जो उनसे बड़े मिडिल शॉपकीपर या बड़े शॉपकीपर्स हैं, क्या उनका बिजनेस ठप हुआ है? ठप तो नहीं हुआ है, लेकिन बहुत फर्क पड़ा है, उनकी बिक्री में आधी सेल हो गई, मतलब हाफ हो गई उनकी सेलिंग, क्योंकि ज़्यादातर लोग अब ऑनलाइन करते हैं। लेकिन एक और फैक्ट मैं आपको बताऊं, जो कहाँ पे मुझे मिला, डीडी न्यूज़, लोकसभा टीवी, राज्यसभा टीवी में डिस्कशन के दौरान, कि ये जो ऑनलाइन मार्केट अभी है अमेजोन का, फ्लिपकार्ट का, या और भी जो आपके स्नैपडील जो ऑनलाइन बेचते हैं, वो ओवरऑल जो हमारा मार्केट है उसका सिर्फ उन्होंने 2-3% ही कैप्चर किया है। यानी कि 97% मार्केट आज भी दुकानों के तौर पर चल रहा है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा एलिगेशन लगाना कि उन्होंने पूरा बिजनेस हमारे इंडियंस के शॉपकीपर्स का बर्बाद कर दिया, वो भी गलत है। ठीक, अच्छा अगला ये रहा, चाइना लगातार अपना जो जाल है बिछाया जा रहा है इंडिया के चारों ओर। अभी म्यांमार के साथ उन्होंने कौन सा साइन किया है, चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर, और उसके तहत जो है ये हो रही न्यू पावर लाइन्स इन बे ऑफ बंगाल, आप देख ही रहोगे। ठीक है, ठीक, तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, 17 जनवरी के लिए इतना ही, और अभी कुछ न्यूज़ इतना है नहीं, कल हम लोग फिर मिलेंगे 18 जनवरी के न्यूज़ के साथ।